हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग टेली प्राइम एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पे परचेज ऑर्डर के साथ साथ रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट और परचेज बिल कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसके लिए आप पहले कंपनी बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने एक कंपनी टाइप की, कंपनी टाइप करने के बाद एंटर से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपने एड्रेस लिख दिया कंपनी का और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लिया और पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप टाइप करते जाइए। और इस तरह से फाइनेंशियल सेट करने के बाद इस कंपनी को एक्सेप्ट करा देंगे। कंपनी बनाने के बाद ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं लेनी है तो इसको इग्नोर करने के लिए एस्केप प्रेस कर दीजिए। इस तरह से आपकी कंपनी बन गई। उसके बाद आपको लेज़र बनाने हैं तो लेज़र बनाने के लिए क्रिएट पे जाकर, जैसे आप दिया हुआ है लेज़र, आप यहाँ पे जाइए। उसके बाद यहाँ पे लेज़र बनाएंगे परचेस का, तो यहाँ पे आपने परचेस का लेज़र बनाया। एंटर से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ग्रुप आएगा परचेज, तो यहाँ पे आपने परचेज ले लिया। फिर नेक्स्ट एंटर दीजिए और एंटर प्रेस करते जाइए। इस तरह से आपने एक्सेप्ट करा दिया परचेज का लेज़र। इसी तरह से जिस पार्टी से परचेस कर रहे हैं उसका बना देंगे अपन। यहाँ पे सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप आ जाएगा। अभी हम जो बना रहे हैं बिल वो विदाउट जीएसटी वाला बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपने पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लिया। इसकी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे आप, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी इन्फो अवेलेबल है। बाकी कॉलम को इग्नोर करते जाइए, एक्सेप्ट करा देते हैं इस तरह से। और परचेस का बना लिया आपने, पार्टी का बना लिया। एसके से बाहर आइए, यहाँ पे आप स्टॉक डालने के लिए क्रिएट पे ही इन्वेंटरी दिया हुआ है, यहाँ पे स्टॉक भी डाल सकते हैं। तो स्टॉक ग्रुप से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ग्रुप बना लेते हैं प्राइमरी। तो यहाँ पे आपने एक प्राइमरी ग्रुप बना लिया, फिर एंटर दीजिए। प्राइमरी ग्रुप बनाने के बाद यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप बनाने के लिए आप एस्केप प्रेस कीजिए। उसके बाद मल्टीपल ग्रुप बनाने के लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिया हुआ है वहाँ जाकर स्टॉक ग्रुप में जाकर यहाँ पे राइट साइड में आपको दिया हुआ है मल्टी मास्टर्स, यहाँ जाके आप मल्टीपल ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। शॉप के अंडर में अपन मल्टीपल ग्रुप बना लेते हैं। जैसे आपने ये टाइप किया नाम, एंटर देंगे, इससे मल्टीपल ग्रुप बना लीजिए। फिर आइटम बनाना चाहते हैं और मल्टीपल आइटम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टॉक आइटम में जाकर मल्टीपल आइटम के लिए मल्टी मास्टर में जाकर यहाँ पे मल्टी आइटम मल्टी इस पे जाएंगे, मल्टी क्रिएट पे, और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे लक्स ग्रुप के अंडर में अपन लक्स की वेराइटी डाल देंगे इस तरह से। तो मान लीजिए आपका बिजनेस लक्स सोप सेल करने का है, यूनिट पूछ रहा है, यूनिट अगर आप नहीं पहले है तो पहले बना लीजिए, अगर यहीं से बनानी है तो अल्टर सी प्रेस करके आप यूनिट लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपने यूनिट ले लिया, यहाँ पूरा नाम दे सकते हैं यूनिट का, जो भी आपने लिया है एंटर दीजिए। इस तरह से आपने यूनिट बना ली, जितना स्टॉक आपके पास है ओपनिंग का उतना आप फीड कर दीजिए यहाँ पे, फिर एंटर दीजिए, एक्सेप्ट कराइए। अगर एक आइटम और है तो वो भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। इस तरह से आपने लिख दिया आइटम, लिखने के बाद एंटर दीजिए। यहाँ पे यूनिट से लिख कीजिए, जितना यूनिट है लिख दिया आपने, पर पीस के लिए डाल दिया आपने यहाँ पे, ये लिख दिया आपने यहाँ पे, एंटर दीजिए, एक्सेप्ट कराइए। ये आपने बना लिया दो। उसके बाद एसके से बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद यहाँ पे वाउचर दिया हुआ है वहाँ पे जाइए। यहाँ पे पर्चे ऑर्डर देना है आपको, तो पर्चे ऑर्डर के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे पर्चे ऑर्डर ऑन करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है अदर वाउचर, आप F10 प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पर्चे ऑर्डर को एक्टिवेट करने के लिए आपको शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो एक्टिव नहीं है वो दिए वाउचर हैं, जैसे आपको जो भी वाउचर एक्टिव करना है, पर्चे ऑर्डर वाला एक्टिव करना है तो आप पर्चे ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे पर्चे ऑर्डर लिस्ट में पर्चे ऑर्डर आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और एंटर दीजिए और यस कीजिए, तो ये आपका जो वाउचर है वो एक्टिव हो जाएगा परचेज ऑर्डर वाला। और यहाँ पे आप परचेज ऑर्डर देंगे पार्टी को, पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लिया
और यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं कि पेमेंट जो है कितने दिन में होगा, कैसे होगा, डिलीवरी किस तरह से होगी, बाई बस, बाई कुरियर, ये लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और किससे डिस्पेज हो रहा है यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे तो लिख दिए 1 डेज में आपके पास माल आ जाएगा और डिलीवर हो जाएगा आपके पास ट्रक से। कहाँ आपको माल कहाँ पहुँचाना है या कहाँ पहुँचेगा उसकी डिटेल लिख सकते हैं। इसके अलावा कैरियर नेम, एजेंट का नाम लिख सकते हैं, लोडिंग नंबर लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, मोटर व्हीकल, किस मोटर व्हीकल से माल आ रहा है वो उसके बारे में लिख सकते हैं। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, यहाँ पे परचेस सेलेक्ट कीजिए, स्पेस दीजिए, उसके बाद जिस आइटम का ऑर्डर अपन दे रहे हैं वो सिलेक्ट कीजिए, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हैं वो लिख दिया आपने, यहाँ पे रेट लिख दिया, आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइटम चाहिए तो स्पेस दीजिए, नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे, इस जगह यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो गया, एंटर दीजिए। इस तरह से आपने पर्चे ऑर्डर दे दिया, ये आपका पर्चे ऑर्डर पूरा हो गया, इस तरह से माल आ गया है। मान लीजिए उन्होंने माल भिजवा दिया है और आपने बिल्टी दिखा के अपना माल छुड़ा लिया है, ले लिया है, रिसीव कर लिया है, लेकिन आपको अभी पक्का बिल नहीं प्राप्त हुआ है, तो बिल्टी की एंट्री यानी माल जो रिसीव हुआ है और जिसका बिल नहीं आया है, उस रिसीव की एंट्री अपन किस में करेंगे, इसके लिए भी वाउचर एक्टिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप वही F10 प्रेस करें, अदर वाउचर में जाएं और यहाँ पे जो भी एक्टिव करना है शो इनएक्टिव पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस जगह रिसिप्ट नोट दिया हुआ है, तो रिसिप्ट नोट को एक्टिव करेंगे अपन। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट में रिसिप्ट नोट दिया हुआ है, देखिए इस पर क्लिक करके एंटर दिया और ये आपने इसको एक्टिव कर दिया, इस रिसिप्ट नोट वाउचर को। और यहाँ पे इस जगह किस तारीख को रिसीव हुआ है वो डेट डाल दीजिए, यहाँ पे नाम सेलेक्ट कीजिए, देखिए देखिए यहाँ पे रेफर नंबर दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे, तो आप नाम सेलेक्ट कीजिए, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कीजिए, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करते ही क्या होगा, ऑटोमेटिक ही जो इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी, रिसिप्ट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर लिख सकते हैं अपन जो भी है, ये देखिए अपने यहाँ पे, और एंटर दीजिए, ये माल रिसीव हो गया है आपके पास, ये देखिए, और ऊपर देखिए रेफरेंस नंबर अपने आप 1 ऑटोमेटिक आ गया है ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करते ही, और एंटर दीजिए, एंटर प्रेस करते जाइए, इसका टिकट नंबर यानी रिसिप्ट नोट का सीरियल नंबर स्टार्ट हो गया, टिकट नंबर 1 और ऑर्डर नंबर भी 1 ही है अपना, एंटर प्रेस करते जाइए, इस तरह से दोनों आइटम ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपको टाइप नहीं करने हैं। ऑर्डर में जो आइटम लिए थे आपने जिनकी उनकी क्वांटिटी सेलेक्ट की थी, ऑटोमेटिक वो क्वांटिटी रेट आ जाती है, आपको रिसिप्ट नोट में सिर्फ नंबर सेलेक्ट करके एंटर देके एक्सेप्ट कराना है। इस तरह से माल रिसीव हो गया है लेकिन बिल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। माल चेक किया मान लीजिए आपने और आपको कुछ माल खराब निकला, उसमें से उसको वापस करना है, जो डिफेक्टिव माल है उसको वापस करना है पार्टी को, तो उसके लिए भी अपन वाउचर यूज़ करेंगे, तो वही F10 प्रेस करेंगे या अदर वाउचर लेंगे। यहाँ पे भी वो वाउचर एक्टिव करने के लिए आप शो इनएक्टिव पे एंटर दीजिए, यहाँ पे अपने को रिएक्शन आउट वाला वाउचर एक्टिव करना है, क्योंकि रिजेक्ट किया हुआ माल वापस कर रहे हैं तो रिएक्शन आउट आएगा यहाँ पे, रिएक्शन आउट पे एंटर दीजिए, ये आपने रिएक्शन आउट को यस किया आपने, ये देखिए रिएक्शन आउट वाउचर ऑन हो गया, एक्टिव हो गया। अब जिस पार्टी को आप आउट कर रहे हैं माल वो नाम सेलेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए, स्पेस देके यहाँ पे आइटम दिया हुआ है, इस आइटम में से सेलेक्ट किया, कितना वापस कर रहे हैं वो लिखेंगे अपन यहाँ पे, जितना माल वापस कर रहे हैं उतना लिखेंगे, रेट इसी रेट वही रेट रहेगी, रेट को चेंज नहीं करना है। इस तरह से ये एक आइटम हो गया। दूसरा आइटम भी अगर डिफेक्टिव है तो कितना क्वांटिटी डिफेक्टिव निकली है उतनी क्वांटिटी लिख देंगे आप, रेट अपने आप आ जाएगी, कुछ करना नहीं है, एंटर प्रेस करते जाइए। इस तरह से ये दो आइटम आपने वापस भेज दिए पार्टी को, क्योंकि ख़राब निकले थे, आपने इनको वापस कर दिया है और एंटर दीजिए, रिएक्शन आउट कंप्लीट हो गया आपका, यानी एक तरह पर्चे रिटर्न हो गया। उसके बाद पार्टी से आपको बिल प्राप्त हुआ, क्योंकि पेमेंट लेना है पार्टी को, तो पार्टी से आपको बिल प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, परचेज़ की एंट्री करेंगे, जो सेल बिल मिला है पार्टी से उसकी एंट्री आप किस में करेंगे, परचेज में करेंगे। तो यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे या फिर कीबोर्ड से परचेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़िए, इस जगह यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी बिल मिला है उसका नंबर लिख सकते हैं, बिल नंबर, बिल डेट लिख सकते हैं, और यहाँ पे जिस पार्टी से बिल मिला है पार्टी का नाम सेलेक्ट कीजिए, नंबर दिया हुआ रिसिप्ट नोट नंबर उसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद अपने आप ही इंफॉर्मेशन फीड हो जाएगी, जो भी आपको लिखना है एंटर दीजिए,
एंटर प्रेस करने के बाद देखिए इसमें भी आइटम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आइटम ऑटोमेटिक आ जाते हैं और जितने आइटम सही थे जो रख लिया आपने या जिनका पेमेंट करना है आपको वही वही क्वांटिटी आ रही है, यानी लेस होके आ रही है, क्योंकि ऑर्डर तो आपने ज़्यादा कर दिया था लेकिन कुछ माल खराब होने के कारण वापस कर दिया था, इसलिए क्वांटिटी कम रह हो गई है। तो देखिए ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी क्वांटिटी आइटम की। एंटर दीजिए इस तरह से ये परचेज का एंट्री हो गई, ऐसे ये हो गई, ये बिल बन गया है आपका परचेज बिल। और अब पेमेंट करेंगे लास्ट में, तो क्या करेंगे माउस से यहाँ पेमेंट पे क्लिक कर देंगे या F5 प्रेस कर देंगे, यहाँ पेमेंट करेंगे पार्टी को, पार्टी नाम सेलेक्ट कर लिया, कितना पेमेंट करना है वो आपका करंट बिल दिख जाएगा यहाँ पे, वो लिख दिया आपने, ये लिख देंगे अपन, ये देखिए ये लिख दिया। आगे बढ़ेंगे, अगेंस्ट में क्या शो हो जाएगा, पिछले बिल की डिटेल, जो पेंडिंग बिल है उसकी डिटेल आपको दिखाई देगी, वो आप सेलेक्ट कीजिए तो अपने आप कॉपी हो जाएगी। और यहाँ पे कैश सेलेक्ट कीजिए, इस तरह से आपका चूँकि नेगेटिव कैश आ रहा है, कैश है नहीं आपके पास, इसलिए नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो आगे बढ़िए, इस तरह से आपने ये पेमेंट कर दिया। तो ये आपको परचेज ऑर्डर आ गया, रिसिप्ट नोट सीख लिया आपने, रिएक्शन आउट आ गया और परचेज बिल बनाया, उसके बाद पेमेंट कर दिया। इसकी डिटेल देखने के लिए आप यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट दिया हुआ है, वहाँ जाकर डे बुक में तो देख ही सकते हैं, आपको जितनी भी एंट्री की है आप देख सकते हैं, जैसे F2 दबाइए, यहाँ पे स्पेस दीजिए तो आपको जितनी भी एंट्रीज की है आपने अभी, जितने वाउचर की एंट्री की वो सब आ जाएगी यहाँ पे डिटेल में, और उनको देख भी सकते हैं, एंटर से ओपन भी कर सकते हैं, ये सब देख सकते हैं, इसमें ये डिटेल आ जाएगी पूरी यहाँ पे इस तरह से। और आप चाहें तो स्टेटमेंट अकाउंट्स स्टेटिक्स यहाँ पे वाउचर वाइज भी देख सकते हैं, यहाँ भी आपको दिखाई देगा, परचेज भी दिखाई देगा, ये वाला रिएक्शन आउट भी वाउचर दिखाई देगा, यहाँ वाउचर वाइज भी, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं अपन। इसके अलावा इन्वेंटरी बुक्स में परचे ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर यहाँ दिया हुआ है, वो भी ओपन कर सकते हैं, देखिए परचे ऑर्डर दिया हुआ है, ये भी डिटेल यहाँ भी दे सकते हैं। और स्टेटमेंट इन्वेंट्री में आपको कौन सा ऑर्डर पूरा, कितना नहीं हुआ है, कितना है बकाया है, वो भी देख सकते हैं, परचे ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में दिखा देगा आइटम वाइज, कि भाई लक्स के ये देखिए लक्स के 200 का ऑर्डर था लेकिन 20 पूरे नहीं हुए, यानी 20 वापस कर दिए थे मैंने ख़राब माल, तो पूरा ऑर्डर हुआ नहीं है, 180 का ऑर्डर हुआ है, केवल 180 ही आपके पास माल प्राप्त हुआ है, 200 की जगह 20 कम मिले अपने को, तो ये अपन देख सकते हैं कितना बकाया रह गया है ऑर्डर, इस तरह से अपन रिपोर्ट पूरी दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो सब प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।